और शहर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। इस वक्त भी कहीं रिमझिम है तो कहीं पर काले बादल आसमान पर मंडला रहे हैं। मौसम की खबर देने वाले क्या पेशगोई कर रहे हैं, इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे उबैद खान से। जी उबैद बताइएगा। लाहौर शहर में बारिश का जो सिलसिला है आज सुबह से ही जारी है और इस वक्त भी आसमान पर जो काले बादल है वो मंडलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बारिश के बरसने से जो मौसम है वो काफी खूबसूरत हो चुका है, काफी सुहाना हो चुका है और गर्मी का जोर किसी हद तक टूट भी चुका है। और साथ साथ मगर जो शहरी हैं उनको दुश्वारी का जब सामना करना पड़ता है, जिस तरह से बारिश तेज होती है तो यकीनन जो पानी है वो रोड के ऊपर मौजूद होता है, गली मोहल्लों के अंदर मौजूद होता है और फासा इंतजामिया को वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से हाई अलर्ट जारी किया गया था कि बारिशों के दौरान पानी जो है रोड के ऊपर सड़कों से फौरी निकाला जाए, किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगर कल जो बारिश हुई थी, आज जो बारिश हुई है उसका दौरान ही आपने देखा है कि दरमियान में बहुत सारे इलाके तो ऐसे मौजूद है लाहौर शहर के अंदर जहां पर अभी भी पानी मौजूद दिखाई दे रहा है, मगर सड़कों के ऊपर बारिश अभी कम है जिसके बाइस पानी तो मौजूद दिखाई नहीं दे रहा, मगर मौसम काफी खूबसूरत हो चुका है और महकमा मौसम विभाग की जानिब से अभी भी पेशगोइयां की जा रही है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। और आज मौसम को शहरी जो है किस तरह से इंजॉय कर रहे हैं, क्या कहते हैं मौसम बारिश हुई है, क्या कहते हैं आप? जी मौसम बहुत खुशगवार हो गया, बूंदाबांदी लगी हुई है इसलिए मैं आइसक्रीम लेके जा रहा हूँ, मौसम इंजॉय कर रहा हूँ। बारिश हो रही है लेकिन इधर पानी का निजाम नहीं ठीक है, पानी खड़ा हो जाता है सड़कों पे जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाती है और बहुत दुश्वारी होती है हमें वापस घर जाने के लिए, इसलिए हुकूमत से यही अपील है कि पानी का निजाम थोड़ा सही करे, पानी निकालना है। बहुत शुक्रिया उबैद।